अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आई हुई हूँ अपने मूंगफली के खेतों में, क्योंकि ये सीज़न मूंगफली का है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी सब फसल है मूंगफली की। ये बस एक माह तक पक कर जो है वो तैयार हो जाएगी, तो फिर हम इसको उखेड़ लेंगे। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी किस तरह मूंगफली जो है वो साफ़ की जाती है। अब ये मूंगफली को उखेड़ के देखते हैं कि अब ये कितनी पकी है, क्योंकि अब इसका मौसम आ गया उखेड़ने का, तो देखते हैं। ये किसी खुरपी के बगैर तो उखेड़ना मुश्किल है। ये देखिए, इसके दाने तोड़ते हैं ना, तो देखते हैं कितनी पकी है। ये मैं इसके दाने तोड़ के देखती हूँ कि ये अभी कितनी पकी है। ये थोड़ी थोड़ी कच्ची है अभी, तकरीबन एक माह तक ये मुकम्मल जो है वो पक जाएगी और तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश शुरू हो गई है। सुबह इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद धूप थी कि मैं बता नहीं सकती। सुबह मैं खेतों में गई हुई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा धूप थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि देखिए कितना अच्छा मौसम है, देखिए बारिश हो रही है, बादल कितने ज़ोर से गरज रहे हैं। सही तूफानी बारिश का मौसम बना हुआ है। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बादल के गरजने से मुझे बहुत डर लगता है। मैं ऐसे बाहर अब नहीं खड़ी होने वाली। देखिए मैं बरामदे की ग्रिल में खड़े होकर बारिश एंजॉय कर रही हूँ कि ज़्यादा बाहर नहीं जाती। एक तो बादल गर ही रहे हैं और बारिश भी तेज है, तो मेरे सारे जो कपड़े हैं वो भीग जाएंगे। और अभी मुझे फिक्र हो रही है कि मेरे बच्चों ने अभी स्कूल से आना है, स्कूल से आने का टाइम हो गया है। वो देखिए हमारे पड़ोसियों की छत से जो पानी आ रहे हैं नीचे, तो शुक्र है कि आज बारिश हो गई है तो मौसम अच्छा हो गया, और ज़्यादा अच्छा हो गया, गर्मी ख़त्म हो गई है। ये बारिश और हवा का शोर है, तो लगता है आपको मेरी आवाज़ भी आए ज़रा कम ही आएगी क्योंकि शोर ज़्यादा है। देखिए देखिए कितनी ज़ोर से बादल गरज रहे हैं, सुने सुने ज़रा गरजने की आवाज़ें। अभी बारिश कुछ पहले से कम हुई है, मैं अभी बच्चों का ही इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जल्दी से अब स्कूल से आ जाएं, क्योंकि अब वो लेट हो गए ना बारिश की वजह से। तो देखिए वो कब पहुँचते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइक पे आना होता है तो बारिश में तो उनका आना मुश्किल है। बारिश रुकेगी ही तो वो आएँगे, तो इसलिए मैं अभी उनके बारे में फिक्रमंद हो रही हूँ कि वो अब जल्दी से आ जाएँ, क्योंकि बच्चों को आपको पता है भूख भी लगी होती है। लंच तो वो ले के जाते हैं साथ, लेकिन फिर भी घर में आकर ही बच्चे ने खाना खाना होता है, तो फिर इसलिए अभी मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। पहले तो गर्मी होती थी तो इस टाइम खाना खा के हम लोग सो जाते थे बच्चों के आने के बाद, लेकिन आज मौसम अच्छा है तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कपड़े अपने सिलाई कर लूँ। तो दुआ करें कि आज मेरे कपड़े जो हैं वो सिलाई हो जाएँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वो ला के रखे हुए थे, लेकिन गर्मी की वजह से मैं सी नहीं पाई, क्योंकि
काम करने का मेरा दिल नहीं करता था। बाकी घर का काम खत्म करके मैं थक जाती थी और गर्मी की वजह से फिर मैं और ज़्यादा काम जो है नहीं कर सकती थी। तो आज सोच रही हूँ कि मौसम अच्छा है तो बच्चे आ जाएँ स्कूल से, उनको खाना वाना खिला के सुला दूँगी और खुद जो है नहीं सोऊँगी और कपड़े अपने सिलाई कर लूँगी। तो अल्लाह करे कि मैं इतना टाइम निकाल लूँ कि मेरे कपड़े जो हैं वो सिलाई हो जाएँ। पाइप से पानी लगा के इनको धोती हूँ, लेकिन आपको पता है कि बारिश से जिस तरह से पौधे धुलते हैं वो नहीं धो सकती मैं तो इस तरह से बिल्कुल भी। तो आज बारिश हुई है तो सारी इनकी गर्द और मिट्टी जो है वो उतर जाएगी और पत्ते पौधों के बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो ये फ्रेश फ्रेश लगेंगे तभी। देखिए पौधों की क्यारियाँ पानी से बिल्कुल भर गई हैं, देख लें सारे ये पौधे खूब धुल गए हैं। बारिश अब नहीं है और मौसम अभी भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि हवा चल रही है, तो मौसम बारिश की वजह से काफ़ी खुशगवार हो गया है। और आपको पता है जब मौसम अच्छा हो तो इंसान का मूड भी काफ़ी फ्रेश होता है। जब सुबह मैं खेत में गई थी तो काफ़ी धूप थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त बिल्कुल बारिश का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन जब घर वापस आई थोड़ी देर बाद ही बादल अचानक से आए और बारिश हुई और बहुत अच्छा मौसम हो गया। अभी मैंने सेन की सफाई भी कर ली है क्योंकि बारिश के दौरान हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और दरख्तों के और पौधों के पत्ते गिरने की वजह से सेन में काफ़ी गंद बन गया था। अभी मैंने सेन साफ़ किया है तो अब मैं घर का बाकी सारा काम जो है वो करूँगी। अभी मुझे बर्तन धोने हैं, शाम के खाने का काम भी करना है, तो इसलिए वीडियो आज यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।